कुल शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से आज की इस ब्लॉग श्रृंखला के क्रम में हम आधार से संबंधित सर्विसेज को फिर से दोबारा से सीएससी के माध्यम से आधार की सर्विसेज दी जाती है हमारे बीएलई भाइयों के माध्यम से। हम लोग आधार यूसीएल पे काम करते हैं जिसमें बेसिकली हम लोग डेमोग्राफिक अपडेट और अभी नया एक फीचर स्टार्ट हुआ है जिसमें प्रोसेस स्टार्ट हुआ है यूआरडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ओएम सर्कुलर जारी किया गया है कि जितने भी रेजिडेंट जो कि 10 साल से पुराने आधार जिनके हो गए हैं और उन्होंने 10 साल के आधार बनवाने के बाद कभी भी अपने आधार में डेमोग्राफिक से संबंधित चेंजेस नहीं कराए हैं तो ऐसे सभी रेजिडेंट को पुनः अपने पीओआई और पीओए दोबारा से अपडेट कराने की जरूरत है। तो कुछ एक इन्हीं चीजों पे हम लोग अभी इस सेशन में चर्चा करेंगे और आप लोगों के बीच में जो जानकारी है कि कैसे हम इस पे और अच्छे से काम कर सकते हैं, जो हमारे आसपास रेजिडेंट हैं उनको कैसे जागरूक कर सकते हैं। तो मैं ये सेशन आज की मुलाकात में आपके साथ में अपने जो भी चीजें हैं वो शेयर करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि इस पे जो कि यूआरडी से हमें उम्मीद है उस पे हम किस प्रकार अपना अप करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस। डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस पिछले 4 माह से लगभग अक्टूबर के बाद से एक नया फीचर एड ऑन हुआ है। आप सभी के सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर आने लगा है, जो भी हमारे यूसीएल पे काम करते हैं वीएलई भाई या फिर हमारे जो भी आधार सेवा केंद्र पे एनरोलमेंट कर रहे हैं तो उनके सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर ऐड हुआ है डॉक्यूमेंट अपडेट। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट अपडेट है क्या और किसको कराने की जरूरत है। क्योंकि आधार जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला डॉक्यूमेंट हो गया है। आप लोग देखते हैं हम लोग भी अगर तो गैर सरकारी सरकारी जितनी भी योजनाओं का लाभ है वो हम लोग आधार के माध्यम से ले पा रहे हैं। सरकार बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनका लाभ जो रेजिडेंट हैं उनको आधार के माध्यम से डायरेक्ट पहुंचा रही है। अगर जिन लोगों ने अपना आधार 10 साल से पहले बनवाया था और उन्होंने 10 साल पहले आधार बनने के बाद में कभी भी अपने डेमोग्राफिक डिटेल में जैसे कि नाम पता जन्मतिथि इस तरह की जो डिटेल्स है उनमें कोई भी अपडेट नहीं कराया है, क्योंकि जब आधार इस लेवल पे यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है तो इस डॉक्यूमेंट का अपने आप में अपडेट रहना जरूरी है। अगर किसी ने डेमोग्राफिक डिटेल अपनी अपडेट करा के नहीं रखी हुई है, कहने का मतलब जो उसका आधार है, आधार में नाम पता जन्मतिथि जो है और जो उसके अलावा उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका पैन कार्ड है, वोटर आईडी है या फिर जो प्रेजेंट टाइम में उनकी आइडेंटिटी या एड्रेस से संबंधित जो प्रूफ्स हैं, मान लीजिए कोई भी रेजिडेंट है जो कि 10 साल पहले बॉम्बे में रहते थे, 10 साल पहले बॉम्बे में रहते थे तब उन्होंने अपना बॉम्बे में कहीं पे भी आधार कार्ड बनवाया, ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ भी हो सकता है वो किसी इस तरह की जॉब में थे या कोई बिजनेस उनका सेटअप हुआ जो उन्हें उत्तर प्रदेश शिफ्ट होना पड़ा, उत्तर प्रदेश आ गए तो उत्तर प्रदेश आकर उन्होंने अपना मकान बनवाया, मकान बनवाने के साथ ही उन्होंने अपना बैंक अकाउंट भी यहाँ पे खुलवा लिया, अपना पैन कार्ड तो चलो ठीक है उसमें एड्रेस प्रूफ नहीं होता लेकिन उनकी फैमिली में जो और मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पे रहने लग गए, हो सकता है उनकी उसके बाद में उनके जो बच्चे हैं उनके एड्रेस प्रूफ भी यहाँ के हो गए हों लेकिन मदर फादर हैं वो 10 साल पहले जहाँ पे आधार कार्ड बनवाए थे अपना बॉम्बे का उनका एड्रेस वहीं का है। इन केस अगर यूपी में उन्होंने अपना आधार अपडेट उसको नहीं कराया और यूपी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है जो कि उसमें कंडीशन है कि यूपी के लोगों को ही उसका लाभ मिलना है, ठीक है, तो फिर वो उन रेजिडेंट्स को जो है क्योंकि उनका आधार अभी तक बॉम्बे का है उन्होंने यूपी का नहीं कराया, भले ही उनका मकान है उसकी रजिस्ट्री है बैंक पासबुक है उस पे भी एड्रेस यूपी का है लेकिन अगर आधार में उनके एड्रेस अपडेटेड नहीं रहेगा तो उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा जो कि यूपी गवर्नमेंट यूपी के लोगों को देने जा रही है, ठीक है। इसलिए डेमोग्राफिक डिटेल हो सकता है नाम भी, जैसे मान लीजिए उन्होंने जब आधार कार्ड अपना बनवाया था मोस्टली जो है उस केस में होता है जब कभी जो शादी होती है तो शादी के बाद में सरनेम कुछ चेंज कराना है या कुछ और भी अपडेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो अगर उन्होंने चेंज नहीं कराया और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट अपना जो आधार है उसको कहीं पे भी यूज करना चाह रहे होंगे तो फिर वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें डेमोग्राफिक डिटेल मिसमैच रहेगा, ठीक है। अब शादी से पहले पिता का नाम रहता है, उसके बाद में अगर उन्हें हस्बैंड का नाम कराना है तो उन्हें अपने जो केयर ऑफ है वो उसको चेंज कराना पड़ेगा, अपने डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट करानी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि डेमोग्राफिक डिटेल भी सब लोग अपडेट रखें। इन केस अगर किसी ने डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट नहीं कराई है, मान लीजिए उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, जहां रह रहे थे वहीं रहते हैं,
उनके फैमिली में भी कोई चेंज नहीं हुआ, उनके नाम में कोई चेंज नहीं है, उनके पता में भी कोई चेंज नहीं है, एड्रेस में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे सभी रेजिडेंट्स को अगर उनका आधार कार्ड 10 साल से पुराना है तो अपने आईडी एड्रेस प्रूफ, चाहे भले ही वो उनके वही सेम है जो पहले थे, दोबारा से अपडेट कराना है, जिससे कि ये ऑथेंटिक हो पाए कि जो रेजिडेंट है वो अभी भी वही उसी लोकेशन पर रहते हैं और उनके आधार में जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले दिए थे उससे संबंधित उन्होंने दोबारा अपडेट करा लिए हैं, तो उनका आधार लाइव है और वो सत्यापित हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि वो रेजिडेंट अभी है और उनके डॉक्यूमेंट भी वही है जो उनके आधार में डिटेल्स है। ठीक है, तो इसका पर्पज सिंपल सा ये है कि जो रेजिडेंट जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था उसके बाद अपने आधार में कोई भी डेमोग्राफिक से संबंधित डिटेल चेंजेस नहीं कराए, तो वो सिंपल सा अपना POI और POA एज पर आधार जो भी डेमोग्राफिक डिटेल है वो लेके आए और अपने अपडेट करवा लें। ठीक है, दूसरा हम अगर और समझे इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से, तो इसकी जरूरत क्यों है, डेमोग्राफिक डिटेल जो है अगर आधार की बात करें, इतनी सारी सर्विसेज में हम लोग आधार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यूज करते हैं, तो आधार हमारे लिए जो है ईज ऑफ लिविंग की बात बात करें, हमारे लिए हमारे जीवन के आधार ने आसान बनाया है। ठीक है, हम जो है बैंक अकाउंट हमारा आसानी से खुल जाता है आधार के बेस पे, वन नेशन वन राशन की बात करें तो उसमें भी आधार का बहुत बड़ा रोल है, राशन कार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करती है कि हमारे इंडियन में जो सिटीजन्स हैं उनका एक राशन कार्ड होता है, तो वो उसका लाभ भी जो है तभी मिल पाता है जब उसका आधार जो है वो अपडेटेड रहेगा, आधार कार्ड जो धारक हैं वो इस स्कीम से जो है आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर हम सरकारी योजनाओं की बात कहें तो जो आंकड़े UIDAI के द्वारा बताए गए हैं, अथॉरिटी के द्वारा बताए गए, 1100 से ज्यादा सरकारी स्कीम्स हैं जिनका कि हम लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ हम आधार बेस्ड ले पा रहे हैं, आधार की वजह से हम आसानी से ले पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहें तो DBT की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो उसमें किसान सम्मान निधि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2000 रुपये की किस्त दी जाती है किसानों के लिए, तो वो भी संभव आधार की वजह से ही हो पाया है। अगर आधार जो है उनके बैंक में अकाउंट में लिंक नहीं रहेगा और उनके आधार में जो डिटेल्स हैं वो बैंक अकाउंट से मैच नहीं होंगी, उनके जो और पहचान से संबंधित प्रमाण पत्र हैं उनसे मैच नहीं रहेंगी, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए कई बार जो है ये सुनने में आता है कि हमारा जो है इस बार किस्त नहीं आई, तो उसमें फिर उन्हें बैंक से संपर्क करना पड़ता है, बैंक मैनेजर बोलते हैं फिर आपका आधार जो है वो अपडेटेड नहीं है, आधार में और आपके बैंक में डिटेल मिसमैच है, इसलिए आपकी KYC नहीं हो पा रही है सक्सेसफुल। ठीक है, इसीलिए आधार में जो डिटेल्स हैं वो अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार बायोमेट्रिक जो है हम लोग कई बार आप लोग देखते हैं बायोमेट्रिक अपडेट भी हमें समय समय पर कराना पड़ता है, तो सेम वही चीज है, हम लोगों को बायोमेट्रिक के साथ साथ अपनी डेमोग्राफिक डिटेल को भी समय समय पे अपडेटेड रखना है, जिस प्रकार जैसे हम बायोमेट्रिक कराते हैं, नहीं तो आने वाले समय में अगर हमारी डेमोग्राफिक डिटेल अपडेटेड नहीं रहेंगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है आधार में जो हमारे प्रेजेंट टाइम में डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार हमारे डॉक्यूमेंट आधार की जो डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट नहीं रहेंगी, तो हमें जो सरकारी स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप है, किसान सम्मान निधि है, पेंशन है, या फिर जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, पेंशनर हो गए, ठीक है, ई रिटर्न भी जो है भरना आसान हो पाया है आधार की वजह से ही। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे तो फिजिकली जाना पड़ता था, जो इनकम टैक्स ऑफिसेज होते हैं वहां पे विजिट करना पड़ता था और हम जो है मैनुअल वहां पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, ठीक है, फिर वो KYC वेरीफाई होती थी, फिर उसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बहुत समय लगता था। अब हम ई रिटर्न फाइल कर सकते हैं आसानी से, जो कि संभव हो पाया है आधार की वजह से ही। तो जिन लोगों के आधार में अगर डिटेल मिसमैच रहती है तो वो ई रिटर्न फाइल भी ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सभी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से लेने के लिए हमें जो है अपने आधार में डिटेल्स को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट रखें सभी रेजिडेंट, और साथ में अगर डेमोग्राफिक डिटेल उनकी अपडेटेड है तो, और उनका अगर आधार पुराना ही है तो फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करा लें, वो जरूर अपडेटेड रखें सभी रेजिडेंट जो है। जैसे अगर UP गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे अभी वन फैमिली वन आईडी एक नया जो है प्रोजेक्ट, नया स्कीम स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें कि यूपी गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा शासनादेश जारी हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही है और उसके बाद इसको जो है बड़े लेवल पे शुरू किया जा रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इस पे लाइव किया जाएगा, तो जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं उनकी फैमिली आईडी वही राशन कार्ड नंबर रहेगी,
और जो नॉन राशन कार्ड होल्डर होंगे उनको जो है अपने नया इसके लिए वन फैमिली वन आईडी के लिए अप्लाई कराना होगा, और ये आधार बेस्ड ही होगा। जिन लोगों के आधार अपडेटेड नहीं होंगे, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि हो सकता है कि कुछ रेजिडेंट जो है भले ही यूपी में रह रहे हैं काफी समय से, लेकिन उनके आधार दूसरे स्टेट के हैं, तो ऐसे सभी जो रेजिडेंट्स हैं उनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनके आधार यूपी के नहीं है, भले ही उनका मकान है यहाँ पे और सारा बिजनेस भी यही होता है और लंबे समय से रह रहे हैं, उनका डोमिसाइल भी अगर यहाँ का है तो उनको जरूरत होगी कि वो अपना आधार भी अपडेट कराएंगे, अपना यूपी का उनका आधार होगा तभी वो वन फैमिली वन आईडी का लाभ ले पाएंगे, जिस प्रकार और सारी योजनाओं का वो लाभ या फिर और चीजों पे काम कर रहे हैं। तो सरकारी स्कीम्स की बात करें, उसके लाभ जो हमें अगर लेने हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि अपना आधार जो है वो अपडेटेड रखें, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है क्योंकि इस पे पिछले काफी समय से फॉलो अप हो रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रोग्रेस प्रगति आनी चाहिए वो नहीं। इसी के साथ में मैं आज की इस मुलाकात श्रृंखला का मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।